नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु इंश्योरेंस स्पेशल। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। हाल में स्नैपडील में हुई छट्टी के बाद प्राइवेट कंपनियों में जॉब सिक्योरिटी की बहस एक बार फिर से ताजा हो गई है। कई स्टार्टअप्स के कारोबार बंद करने की खबरों ने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की अहमियत को बढ़ा दिया है। जॉब लॉस इंश्योरेंस यानी कि इनकम इंश्योरेंस प्लान में नौकरी जाने पर आपको अपनी लायबिलिटीज कवर करने का मौका मिलता है। नौकरी के अगर जो आप लूज करते हैं उस दर्द को कम करने के लिए आखिर जॉब लॉस इंश्योरेंस कितना फायदेमंद है, इसे समझने के लिए हमारे साथ है policyx.com के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर नवल गोयल। नवल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे जो कॉन्सेप्ट है जॉब लॉस इंश्योरेंस का, देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही लेस नोन कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि अमेरिका या फिर और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर ये काफी पॉपुलर है, वहां लोग इसको खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसका डिजाइन है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी पल्लवी, यहाँ पे एक्चुअली इंडिया में काफ़ी कम कंपनीज है जो इस तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और उसके ऊपर भी जो वो प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं वो किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ कॉम्बाइंड प्रोडक्ट है। जॉब लॉस इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की तरह मार्केट नहीं किया जाता है इंडिया में। आप अगर US या UK जैसी कंट्रीज को देखोगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसको भी जॉब नहीं मिल पाई है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, उनको गवर्नमेंट एक डेली वेजेस प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे उस तरह के इंश्योरेंसेस काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग उसको ऑप्ट करते हैं, बट इंडिया में अभी तक इन स्पाइट ऑफ ह्यूज जॉब लॉसेस इस तरह का इंश्योरेंस अभी तक कोई मार्केट में है नहीं जो सही मायनों में जॉब लॉस इंश्योरेंस कहलाया जा सके। इनफैक्ट नवल, अगर हम पिछले एक साल में देखें तो कई सारी ऐसी छोटी मझोली कंपनियां हैं जिन्होंने अपना मार्केटिंग स्पेंड काफी कम किया, एडवर्टाइजिंग पर वो लागत कम कर रहे हैं, खासतौर पर जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स हैं। और हाल फिलहाल में जिस तरह की खबरें सुनी, फिर चाहे वो स्नैपडील के संदर्भ में हो या फिर और बहुत सारे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं जहां पर खबरें आए कि ले ऑफ्स हो रहे हैं या फिर कंपनी शटडाउन हो रही है, तो सीधा सीधा अगर इसे जॉब मार्केट से समझें कि कितना असर पड़ेगा और कितनी ज़रूरत है ऐसे में एक प्रॉपर जॉब लॉस कवर की। जैसा आपने कहा कि एज एन एड ऑन तो ये अवेलेबल है, लेकिन अलग से कोई पॉलिसी इस तरह की फिलहाल इंडिया में नहीं है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं कि इसमें क्या चीजें कवर होंगी, क्या नौकरी जाने में जो लायबिलिटी आपके ऊपर आती है उसका कवर इसके अंदर मिलता है। जी, यूजुअली क्या होता है इसमें कि आपकी जो भी लायबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लोन लायबिलिटी है, वो नौकरी पे डिपेंडेंट तो है नहीं, मतलब अगर नौकरी चली गई तो आपको लोन की EMI भरनी ही है, तो इस तरह की लायबिलिटीज आपकी कवर होनी चाहिए। और इसके लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि जॉब जाने के कुछ रीजंस एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से या मार्केट में जॉब है और आप नहीं ले रहे, उस तरह के रीजंस के कारण जॉब नहीं गई होनी चाहिए। और उस समय पे आपके लोन लायबिलिटीज या कोई भी अदर लायबिलिटीज के लिए कुछ स्पेसिफिक सम अश्योर्ड कवर्ड होता है। इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, या इनफैक्ट इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं ये डिफाइंड भी होगा कि किस कारण से आपकी नौकरी गई है। जैसा कि ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी नौकरी जाती है और इसमें आपके एंड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आपने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी है कंपनी, या तो शट डाउन हो रही है इसलिए आपकी जॉब जाती है, ऐसे में आपको कवर मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात है इसके प्रीमियम की और इसके कवर की, तो क्या इसमें लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर अब इंडिया में है ही बहुत कम और बहुत शायद लिमिटेड कंपनीज होंगी जो शायद आपकी नौकरी जाने पर आपको कवर दे रही हैं, इसमें कवर कितना मिलेगा? कवर यूजुअली इसमें डिफाइंड होता है एज अ पार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड। सो अगर आप एक पर्टिकुलर प्लान की बात करो, या सिर्फ दो या तीन कंपनीज है जिन्होंने ये प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट के साथ कंबाइन किया हुआ है, उसमें यह है कि आपको सम अश्योर्ड का 1.5% 4 महीने तक मिल जाएगा, या 3 महीने की सैलरी मिल जाएगी जिसमें आपको मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ़ दी EMI मिल सकती है। तो इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं जिससे कि आपका कवर बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और उसके लिए प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है सम अश्योर्ड के हिसाब से। इनफैक्ट नवल, जिसे हम जो मस्ट पॉलिसीज की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जरूरी पॉलिसी हैं, सबसे पहला तो टर्म प्लान का नाम आता है कि टर्म प्लान डेफिनेटली अगर आप जॉब करें तो आपके पास होना चाहिए। बिसाइड्स दैट, और कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हर वर्किंग इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, चाहे फिर वो मेल हो या फिर फीमेल? सो एक टर्म प्लान, जैसा कि आपने कहा, टर्म प्लान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो आपकी फैमिली को कवर करता है आफ्टर इफ एनी
अनसर्कमस्टेंसेस हैपन इन केस ऑफ डेथ और एनीथिंग. उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैं बोलूँगा नंबर वन पे ही आता है, मतलब दोनों मैं नंबर वन पे ही डालूँगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल कॉस्ट कवर करने के लिए है. और आजकल जो मेडिकल कॉस्ट में ग्रोथ आ रही है, हर साल 10% 12% की मेडिकल कॉस्ट की इंक्रीमेंट हो रही है, और उस कॉस्ट को कवर करने के लिए आपके पास सही समय पे पैसा हो या ना हो, हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है. और उसके लिए मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस वगैरह भी काफ़ी इजी है, जिससे कि आपको एट अ टाइम हॉस्पिटल पे स्पेंड नहीं करना होता कोई भी इमरजेंसी या किसी भी कारण से. तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का आपका पूरा फैमिली का कवर होना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली एल्डरली पेरेंट्स और आपकी जो फैमिली है. जैसा कि नवल आपने बताया कि ये जो जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर होता है, यानी कि अगर आपकी नौकरी छूटती है तो आपको कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, आपको उसकी भरपाई करेगी, ये एज एन एड ऑन तो आता है, लेकिन अलग से कोई पॉलिसी अवेलेबल नहीं है. तो कौन कौन से ऐसे कवर्स हैं जिसके साथ ये खरीदा जा सकता है और कितना प्रीमियम होगा, यानी कि जो बेसिक प्रीमियम आप दे रहे हैं अपनी मेन पॉलिसी के लिए, उसके अलावा इसके लिए कितने चार्जेस कंपनी वसूलेगी? जी, यूजली ये इंडिया में अभी सिर्फ होम इंश्योरेंस के साथ या क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के साथ आ रहा है, और इसके लिए जो प्रीमियम है वो यूजली 2-3% ऑफ द सम अश्योर्ड. सो अगर आप 1,00,000 का सम अश्योर्ड ले रहे हो तो अराउंड 2-3,000 रुपये का प्रीमियम एडिशनली आपको इनकर करना होता है एनुअली. और इसका जो कवरेज होता है उसमें भी सम अश्योर्ड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल EMI का 50% जा सकता है या 3 महीने की सैलरी जा सकती है, इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो क्या ये कस्टमाइज्ड भी हो सकते हैं, यानी कि जब हम पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं, और वो भी आपसे जानेंगे नवल की कौन कौन सी कंपनीज ये इस तरह के कवर्स दे रही हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है वो अलग किसी फील्ड में हो और हर इंडिविजुअल की ज़रूरत अलग हो सकती है, क्या उसकी यू नो कंडीशंस के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, या टेलर मेड पॉलिसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं? नहीं, ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स है, रिटेल प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई कस्टमाइजेशंस अवेलेबल नहीं होती. बट दो या तीन कंपनीज के जो ये प्लान्स है वो एज इज अवेलेबल है. तो उसमें आप सिंपली मतलब कोई भी OTC प्रोडक्ट है आप कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, और ये कॉर्पोरेट प्रोडक्ट भी नहीं है. जैसे हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट में जब जाता है तो वो कस्टमाइजेबल हो जाता है, लेकिन रिटेल प्रोडक्ट में वो कस्टमाइज नहीं होता. बट यहाँ पे ये कॉर्पोरेट में भी नहीं होता और वैसे भी कस्टमाइजेबल नहीं है. तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह के प्लान्स दे रही हैं? एक प्लान है HDFC अर्गो का, जो अपने होम इंश्योरेंस के साथ इसको क्लब करता है. एक ICICI लोम्बार्ड का प्लान है जो क्रिटिकल इलनेस के साथ इसको क्लब करता है, और एक रॉयल सुंदरम का प्लान है. बस ये 2-3 कंपनीज ही है इंडिया में अभी इस टाइम पे जो इस तरह के कवर्स प्रोवाइड करती है. तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आप सोच रहे हैं इस तरह की पॉलिसी लेने का, तो पहले समझना ज़रूरी है कि आखिर इसमें कौन सी चीज़ों की कवरेज है और कौन सी चीज़ों की कवरेज नहीं है. जहां तक कंपनीज का सवाल है, तो रॉयल सुंदरम का सेफ लोन शील्ड ये एक जॉब लॉस कवर है, यानी कि अगर आपकी नौकरी छूटती है ऐसे में आपको ये बचा सकता है. HDFC अर्गो भी एक प्लान ऑफर कर रहा है होम सुरक्षा के नाम से, जहां पर आपको आपकी नौकरी छूटने का कवर मिलता है. साथ ही साथ ICICI लोम्बार्ड का सिक्योर माइंड, यानी कि इससे आपका माइंड जरूर आप सिक्योर कर सकते हैं. लेकिन जहां तक लिमिटेशंस की बात है, किन लोगों को इसका कवर नहीं मिलेगा, यानी कौन से लोग ऐसे हैं जो इसमें एक्सक्लूडेड है नवल? तो इस तरह के लोग जो अपनी नौकरी या तो परफॉर्मेंस इश्यूज से खोए हुए हैं, या फिर जो प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं, या फिर उनकी इलनेस के कारण उनको जॉब छोड़नी पड़ी है, इस तरह के जो रीजंस होते हैं उस सिनारियों में उनको क्लेम नहीं मिलता. इनफैक्ट अगर इनको पॉइंट्स में हम से सम अप करें, तो सबसे पहला तो ये कि अगर आप खुद का काम कर रहे हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको जॉब लॉस का कवर मिलना मुश्किल है, इस तरह के प्लान्स अवेलेबल नहीं है. दूसरी बात जो हमने पहले भी कही नवल, कि अगर कोई अपनी मर्जी से जॉब छोड़ता है, क्योंकि ये जॉब लॉस की सिचुएशन का कवर है, ऐसे में अगर आपने खुद अपनी कंडीशंस की वजह से जॉब छोड़ी है, तो फिर इस तरह का कवर आपके किसी काम का नहीं होगा. साथ ही साथ नवल, आपने कहा प्रोबेशन में अगर कोई रिजाइन करता है, लेकिन अगर हम इसको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन
क्वेश्चन से जोड़ें कि अगर आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते, और कई कंपनीज में ऐसा देखा भी गया है कि आपके पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आपको छोड़ने को कहा जाता है, यानी कि आप रिजाइन खुद करेंगे, ये कंपनी की तरफ से आप फायर तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन आपने अगर इस प्रोबेशन पीरियड के अंदर रिजाइन किया तो नुकसान जरूर आपका है, लेकिन कवरेज नहीं मिलेगा। इस तरह इसको कैसे देखते हैं आप? प्रोबेशन का मतलब होता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है कंपनी का, तो उस रीज़न से उसको ये कवर अलाउड एप्लीकेबल नहीं है। इवन इफ वो फायर होता है या खुद से छोड़ता है, प्रोबेशन के ड्यूरेशन में वो एक परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है, इसलिए उसको ये कवर अवेलेबल नहीं होता। और द फोर्थ रीज़न जो था वो ये था कि मतलब अगर वो खुद से छोड़ता है तो ये कवर वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जॉब लॉस के उसके लिए है। बट नवल एक बात बताइए, जैसे आपने कहा प्रोबेशन के दौरान कंपनी अगर ये पाती है कि आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है और आप अगर छोड़ते हैं, आपको हटाया जाता है, तो उस दौरान आपको ये कवर नहीं मिलता। लेकिन बिसाइड्स दैट प्रोबेशन पीरियड, अगर आप लंबे समय से किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और कंपनी पुअर परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको हटाती है, इन दैट केस क्या इसमें कवर मिलेगा या नहीं? नहीं, उस केस में नहीं मिलता, क्योंकि परफॉर्मेंस इश्यूज जहाँ पे आ जाते हैं या हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, वहाँ पे ये कवर नहीं मिलता है। तो चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिनको कवर नहीं मिलेगा वो ये कि अगर पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आपको हटाया जाता है या फिर आप नौकरी छोड़ते हैं, तो इन दैट केस आपके लिए कवर काम का नहीं होगा। पांचवा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है नवल, जैसे आपने हेल्थ के बारे में कुछ मेंशन किया था कि इसमें आप क्रिटिकल इलनेस अगर प्लान ले रहे हैं तो एज एन एड ऑन आप जॉब लॉस कवर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से कोई बीमारी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिन्हें कहा जाता है, इन दैट केस भी क्या ये जॉब लॉस कवर मिल पाएगा? नहीं, अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसको जॉब लॉस से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर जॉब लॉस कोई बीमारी की वजह से हुआ है उस केस में ये नहीं मिलेगा कवर। इनफैक्ट नवल एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिमाग में आता है कि एक गंभीर बीमारी के चलते अगर आपको एम्प्लॉयर हटाता है और उसके बाद उसे रियलाइज भी होता है और वापस वो नौकरी पर आपको रखता भी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल संदर्भ में इसको देखते हैं रियलिटी में, जैसे आपने कहा कि अगर पहले से कोई बीमारी मौजूद है तो ये जस्टिफाई कैसे होगा? यानी कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद बीमारी होती है, इन दैट केस कवर मिलेगा, और अगर नौकरी ज्वाइन करते समय या उससे पहले से आपको कोई बीमारी है, ये कैसे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी? सो बेसिकली इसमें उनको ये डिसाइड नहीं करना है कि पहले से है या नहीं है, उनको सिर्फ ये देखना है कि नौकरी किस वजह से गई है। अगर उसकी वजह बीमारी निकलती है तो उस सिनेरियो में ये कवर एप्लीकेबल नहीं होता। चलिए, तो वो सिनेरियोस तो हमने जाने जहाँ पर कवर नहीं मिलेगा।